हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को फोटोशॉप में दो फोटो को किस तरीके से ऐड करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आपका दो फैमिली है और दोनों अलग अलग रहते हैं, तो आप को अगर एक जॉइंट फोटो की ज़रूरत हो तो किस तरीके से दो फोटो को आपस में ऐड करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके का फोटो आपको तब बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी जब आप किसी भी अकाउंट को, ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाने जाते होंगे। जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते होंगे तो आपको एक फैमिली फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जितने भी आप फैमिली हो तो सबको इकट्ठा करके एक फ़ोटो चाहिए होता है। तो अगर आपको इस तरीके का फ़ोटो नहीं है तो अलग अलग भी इंडिविजुअल आपका फ़ोटो है तो आप एक एक को कट करके आप एक फ़ोटोशॉप के अंदर आप एक फैमिली फ़ोटो बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो फोटो को ज्वाइंट करके दिखाने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन दोनों फोटो को आज मैं ज्वाइंट करके और किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक तो सबसे पहले ज्वाइंट करने के लिए आपको एक ब्लैंक सीट लेना होगा। तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके और न्यू पे क्लिक करके एक सीट ले लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोटो 640x480। कोई भी आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए, इस वाइट। तो इस तरीके का मैंने एक वाइट ब्लैंक सीट ले लिया और इस पे सबसे पहले आपको इस फोटो को बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप मैजिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार क्लिक करने के बाद पूरा सिलेक्ट नहीं होता है तो आप शिफ्ट बटन के साथ दबाइए और उसको अच्छे तरीके से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम कीबोर्ड से डिलीट बटन या फिर बैक बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का हो गया। तो हाँ, अगर आप बैकग्राउंड में कोई और कलर यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे छोटे से बॉक्स दिया गया है। नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर, आप जो भी रखना चाहते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल्स बना रखा है कि बैकग्राउंड चेंज करके फोटो को प्रिंट कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फोटोशॉप का प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे फोटोशॉप के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से मैजिक टूल पे क्लिक करता हूं और यहां पे शिफ्ट बटन के साथ मैं यहां पे क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं यहां पे वाइट भी सिलेक्ट हो गया है। तो शिफ्ट बटन के साथ आप ऐसा इसलिए हो रहा है मैजिक टूल की हेल्प से, अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर जो ये शर्ट पहने हुए हैं इनका कलर कुछ अदर कलर का होना चाहिए था, लेकिन ये भी वाइट है और ये भी वाइट है, इसलिए मैजिक टूल को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर इस टूल का मदद की हेल्प लेकर के आप कट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ एक बार क्लिक करते हैं और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको बस बताने के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप दोनों सिरे को एक साथ ला करके एक बार क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आपका ऐप बन जाएगा और उसके बाद बैक बटन प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और इसी तरीके से यहाँ से फिर ऊपर अप्लाई करना है आपको। तो आप फोटो को जूम करके हमेशा कट कीजिएगा, मैं आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। आपको एक क्लियर फोटो चाहिए तो हमेशा आप फोटो बनाते समय फोटो को जूम करके ही कट कीजिएगा। उसके बाद कीबोर्ड से बैक बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। अब ये कुछ यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से बैक बटन, तो देख सकते हैं मेरा रिमूव हो चुका है, और इनके ईयर के पास यहाँ पे अच्छे तरीके से कट नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं थोड़ा। आप इसको हमेशा जूम करके ही कट कीजिए, आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का फोटो बन के आएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर लिया, और अब इसको इधर भी आप इसी तरीके से कट कर लीजिए।
यहाँ का भी कलर मैं रिमूव कर देता हूँ। दोनों सिरों को एक साथ लाइए और बस कट हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब इस फोटो को आपको सिलेक्ट करके मूव टूल की मदद से आप इस शीट में ले आएं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने एक फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया और इसमें आप दूसरे फोटो को ले आइए और इसमें पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद उस फोटो को भी आप कट कर दीजिए और दोनों को कंट्रोल प्लस टी से आप छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा ना करके मैं यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ और मूव टूल की मदद से यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। और इस शीट पे पेस्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी कीजिए, इससे आपका फोटो एडजस्ट कर सकते हैं। तो कॉर्नर से पकड़ के आप इसको एडजस्ट कीजिए, तो देख सकते हैं मैं छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ। और इसको मैजिक टूल से फिर से सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई। मैजिक टूल लेने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में वाइट अप सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए हम यहाँ से वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे वाइट आ गया, और वाइट करने के बाद आप कीबोर्ड से बैक बटन को प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं ये बैकग्राउंड जो था और ये फोटो दोनों का कलर सेम आ चुका है और अब ये फोटो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस टी या फिर इस मूव टूल की मदद से आप इधर उधर आप इसे खिसका सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इस फोटो को यहाँ पे रख दूंगा, और उसके बाद जो आपका ये एक और फोटो था, ये फोटो, इस फोटो को भी आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कट करने के बाद इसमें पेस्ट कीजिए, या फिर आपको इसमें पेस्ट करने के बाद कट करना है। तो चलिए मैं यहीं पे इसे कट कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप एक फोटो का नॉर्मल फोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको फोटो को बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो चलिए इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं और उसके बाद कट करते हैं। तो आप इसे हमेशा जूम करके ही कट कीजिए, मैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए। अगर मैं अच्छे तरीके से कट करता हूँ तो बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी उतना ही मिलेगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बस समझा सकूँ कि किस तरीके से फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज होता है, और उसके बाद एक फ़ोटो में आप दोनों फ़ोटो को ज्वाइंट कर सकते हैं। बस हम आप लोगों को बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और यहाँ से अब मिनिमाइज कर लेते हैं और उसको मूव टूल की मदद से आप इसे इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ और है और इसका बैकग्राउंड कुछ और हो गया। तो इसे फिर से एक करने के लिए यहाँ पे आप मैजिक टूल का इस्तेमाल कीजिए और इस पर अप्लाई करके आप बैक बटन प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं अब दोनों का कलर सेम हो चुका है, और इस फोटो का जो साइज है वो छोटा है और इस फोटो का साइज बड़ा है। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार कहीं ये टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी टूल को, और इस फोटो को आपको कंट्रोल प्लस टी के साथ फिर से एडजस्ट करना होगा। तो देख सकते हैं कंट्रोल प्लस टी मैंने जैसे ही किया तो एडजस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, और मूव भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो चलिए हम कंट्रोल प्लस टी फिर से क्लिक करते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे अब मूव कर सकता हूँ और इसे छोटा करना होगा ताकि दोनों फोटो एक जैसा लगे। अप्लाई कर दीजिए, तो अब देख सकते हैं दोनों फोटो एक साथ ज्वाइंट हो चुका है, और अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले आपको एक बार इसे सेव कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसे सेव एज करके मैं इसे जेपीजी में सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। जेपीजी फॉर्मेट में मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर से एक नया सेट लेना होगा। तो चलिए ये मेरा फोटो सेव हो चुका है मेरे डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक फाइल पे क्लिक करके नया शीट यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं अपने अनुसार यहाँ पे 4:6 सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, और जो भी मैंने फोटो यहाँ पे बनाया था अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ उसको ओपन कीजिए, और इस फोटो को सबसे पहले आप क्रॉप कर लीजिए। तो चलिए मैं इतना क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, या फिर मूव टूल पे, किसी भी टूल पे क्लिक कीजिएगा, या फिर इंटर बटन को आप प्रेस कीजिएगा तो ये कट हो जाएगा। तो चलिए मैंने कट कर लिया। आप इसका बैकग्राउंड ब्लू, ग्रीन, रेड जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब यहाँ से मूव टूल लेने के बाद इसको मूव कीजिए इस फाइल में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। कंट्रोल टी की मदद से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट जो भी कहाँ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसे कॉर्नर
कॉपी करने के लिए आप मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई पहले कर दीजिए। उसके बाद आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट लेने के पास आप दोनों ई फोटो को यहाँ से ड्रैग कीजिए, तो देख सकते हैं एक फाइल कॉपी हो चुका है। और फिर से आप ड्रैग कीजिए और नीचे फिर से, अगर आप इस पर ड्रैग करके यहाँ फिर से अगर आप और बनाना चाहते हैं फोटो तो यहाँ, और इस फोटो को यहाँ कीजिए, इस फोटो को यहाँ कीजिए, फिर इस फोटो को यहाँ कीजिए। इस तरीके से आप जितने फोटो शीट बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपका कमेंट हो या फिर आपको अगर समझ में नहीं आता है कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप जो भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप फोटोशॉप डाउनलोड करना चाहते हैं, किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि फ़ोटोशॉप को किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दो वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।